तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन का हरा सालन, जो अक्सर दावतों में जीरा राइस के बघारे हुए चावलों के साथ सर्व किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जीनत इन द किचन में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हरा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने लहसुन लिया है, और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें और कुछ पुदीना, और साथ ही में इस कटोरी से एक कटोरी भर के मैंने हरा धनिया लिया है। तो हरा धनिया थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हम हरा सालन बना रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सर में डालकर इसका पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। जितना आपको सालन तीखा करना है उस हिसाब से आप हरी मिर्चों को लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आधा किलो जितना मटन लिया है, और इसे अच्छे से धोकर मैंने कुकर में रख लिया है। तो एक कटोरी भर के दही डालेंगे। दही ज़्यादा भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो दही डाल लेने के बाद इसमें जो हमने हरा मसाला पीस कर रखा है उसे डाल लेते हैं, और साथ ही में दो बड़े साइज के टमाटर भी डालेंगे। फिर हल्दी पाउडर डालते हैं आधा चम्मच, और नमक डालेंगे एक चम्मच, और ये देखिए आधा नींबू का रस इसमें जरूर निचोड़िएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सारी चीजों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे एक बार। इस सालन को जो है मटन का खलिया भी कहते हैं। अब जब कभी भी मटन लाएंगे तो इस रेसिपी को भी एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हमें 3 सीटी आने देते हैं। मटन को जो है पूरा एक ही बार में नहीं गलाएंगे, क्योंकि हमें दूसरे मसाले के साथ भी इस मटन को पकाना है। जब तक मटन पकता है, चलिए हम बघारे हुए चावल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, एक पतीला मैंने जाड़ा वाला गर्म कर लिया है, और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून भर के तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद 1 चम्मच जीरा, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 काली मिर्च, और उसके बाद डालते हैं प्याज। 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप करके इसमें डाला है। प्याज को अब थोड़ा सा नरम होने देते हैं। यहाँ देखिए, मैं इसमें लौंग डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 5 से 6 लौंग भी ऐड कर लिए हैं। तो अब इस मसाले को अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को भी बीच में से कट करके डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं 1 चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें अच्छी तरह पकने देते हैं, और उसके बाद हम इसमें चावलों के नाप के हिसाब से पानी डालेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका 2 और आधा हिस्सा जितना हम पानी डालेंगे। तो पानी का जो मेजरमेंट है फ्रेंड्स, चावलों के ऊपर भी डिपेंड करता है। थोड़े चावल जो है पानी ज़्यादा लेते हैं, और थोड़े चावल जो है पानी कम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। तो 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, आप अपने से टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और नमक डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी में जो है अच्छे से उबाल आने देते हैं। तो देखिए, इस कटोरी से मैंने चावल लिए थे, तो इसी कटोरी से मैंने 2 और आधा हिस्सा पानी डाला है। तो पानी में अच्छे से बॉईल आने देते हैं, तभी हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। तो एक प्लेट को ढक लेते हैं, इससे पानी में जल्दी उबाल आएगा। तो पानी में जो है अच्छे से बॉईल आ गया है, तो अब इसमें हम चावलों को धोकर डाल लेते हैं। तो सारा पानी सूखने तक हाई फ्लेम पर चावलों को बॉईल करेंगे। तो देखिए, अब पानी जो है सारा सूख चुका है। गैस की फ्लेम को स्लो कर लेते हैं, और आपको जो इसमें कलर डालना है आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो अब डालते हैं कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से, और कुछ पत्ते पुदीने के, और प्लेट को अच्छे से ढक कर ना इसे दम होने देते हैं। तो जब तक चावल दम होते हैं, चलिए हम दूसरा मसाला बना लेते हैं सालन के लिए। तो इस मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटी इलायची ली है, और 4 से 5 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 1 जावित्री का फूल। यहाँ मैंने 1 चम्मच खसखस ली है, 1 चम्मच बड़ी सौंफ, और 2 टेबलस्पून जितने मैंने सफ़ेद वाले तिल भी लिए हैं, और 1 छोटी कटोरी भर के मैंने सूखा नारियल कद्दूकस करके लिया है। आप चाहे तो कच्चे नारियल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खास करके इस सालन के लिए जो है सूखा नारियल ही इस्तेमाल किया जाता है, और इससे जो है ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मीडियम साइज के प्याज को मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पर मैंने चिकन और मटन के और भी कई तरीकों के ग्रेवीज अपलोड की हुई है, उन्हें भी आप एक बार, तो प्याज में देखिए इस तरीके से कलर आने तक हम तल लेंगे। ये वाला जो हम मसाला बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इसे अच्छी तरीके से भूनना चाहिए। जितना हम इसे स्लो फ्लेम पर भूनेंगे उतना ही इसका मसाला अच्छा बनेगा और ग्रेवी में जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसमें अब डाल लेते हैं सूखे वाले मसाले। गैस की स्लो फ्लेम पर ही इन मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे, लेकिन याद रखिए मसाला जो है जलना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रेवी में जो है कसीलापन आएगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मसालों को जो है अच्छी तरह भून लेने के बाद इन्हें बिल्कुल ठंडा करेंगे और मिक्सर जार में डालकर एकदम बारीक फाइन सा पेस्ट बनाकर रख लेंगे। तो ये देखिए, अब कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है। 3 सीटी के बाद ये देखिए मटन इस तरीके से गला हुआ है, लगभग ये गला है, बस थोड़ा सा इसमें कच्चापन है। तो हम बाकी के मसाले डालकर इसे भी अच्छी तरह पका लेंगे। सालन को हम थोड़ा सा बघार लेते हैं। तो एक बर्तन गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच जितना, तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसमें पकने देते हैं तेल के साथ। 4 से 5 मिनट बाद इसमें मसाला डालेंगे जो हमने पीस कर रखा है, और इस मसाले को ऐड करने के बाद आप देख सकेंगे कि ग्रेवी में जो है बहुत ही गाढ़ापन आएगा। तो अब इस स्टेज पे आप नमक एक बार चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा हो तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह ग्रेवी जो है पक रही है। अब इसमें मसाले को ऐड कर लेते हैं। तो मसाला भी जो है एकदम बारीक मैंने पीस लिया है, इसी तरह आप भी पीस लीजिएगा। तो ये देखिए मसाले के साथ अच्छी तरह इसे भी आप थोड़ी देर पकाते हैं। जैसे जैसे ये मसाला ग्रेवी के साथ पकेगा तो ग्रेवी में जो है और भी अच्छा हरा कलर आएगा। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो इस ग्रेवी को और भी थोड़ा टेस्टी बनाते हैं, 1 चम्मच भर के इसमें घी भी डालेंगे, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, और इसके बाद डालते हैं 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस को ज़रूर निचोड़िएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ लेते हैं और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे कटा हुआ हरा धनिया डालकर। तो जैसे ही ये थोड़ी देर ग्रेवी ठंडी होगी, आप देख सकेंगे कि किनारों से तेल और घी भी छूटेगा। तो ये मटन की ग्रेवी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है ग्रेवी में। तो इस जबरदस्त टेस्टी ग्रेवी को आप सिर्फ बघारे हुए चावलों के साथ ही नहीं, बन पाव के साथ, पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।